अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मौसमा और आप देख रहे हैं मौसमा यूट्यूब चैनल। अल्लाह आपके खानों में, रिक्स में और जायके में बरकत दे, आमीन। आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मा हमें चिकन मैक्रोनी बना दें, और चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैक्रोनी हमें चाहिए एक पैकेट, चिकन हमें बोनलेस चाहिए, शिमला मिर्च मैंने एक अदद ली है बड़ी, गाजर मैंने एक अदद ली है बड़ी, गाजर वो बंद गोभी हम लेंगे हाफ मैंने लिया है, सोया सास हम लेंगे 1 टेबल स्पून, चिली सास हम लेंगे 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और साबुत हरा धनिया को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च लेंगे, ज़ीरा हम 1 टीस्पून लेंगे और नमक हाफ टी स्पून लेंगे। और ये जो मैक्रोनी के साथ जो मसाला मिलते हैं, हम ये साथ डाल देंगे। मैक्रोनी को हमने बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है पैन में, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इसको गर्म कर दिया है, और अब इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, अदरक लहसुन थोड़ा सा भून लिया, तो फिर मैं इसमें चिकन डालती हूँ। अब मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन को हम इतना भूनेंगे कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर जो चेंज हो गया है, और ये जो मैंने मैक्रोनी के साथ जो मसाला मिलता है, ये मैंने फिर 2 टेबल स्पून चाय डाली क्योंकि स्पाइस ज़्यादा तेज ना हो जाए। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैंने नमक, साबुत हरा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा मैंने डाल दिया और इसको भून लेंगे। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, और यकीन मानिएगा कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और बस ये पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर इसके बाद हम चिली सास और वेजिटेबल डालते हैं। सॉरी, मैं शुगर का बताना मैं भूल गई थी। शुगर आप इसमें 1 टेबल स्पून डालें, इसमें डालेंगे तो यकीन कीजिएगा जब आप इसमें शुगर डालेंगे तो इसका जायका जो है वो मज़ीद और बेहतर अच्छा हो जाएगा। अब मैंने चिकन में गाजर डाल दिया है, और गाजर को सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ जस्ट 1 या 2 मिनट इसको पकाएंगे। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते हैं, और यकीन कीजिएगा कि आप इस तरीके से बनाएं तो आपके भी बड़े बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब इसमें मैंने गाजर के बाद शिमला मिर्च और मैंने बंद गोभी बना दिया, और मज़ीद इसको 1 मिनट तक खुर पकाएंगे। इसके बाद मैंने चिली सास और सोया सास मैंने डाल दिया और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून केचप डाल दिया, और इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि अब बस हमारा ये तैयार हो गया, और अब हम पैन को उतार देंगे, और फिर हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। ये देख रहे हैं कि मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया, और मज़ीद सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरी अल्लाह की रहमतें, मेरी अल्लाह की बरकतें, माशाल्लाह। इसकी आप लोग देख रहे हैं, वेजिटेबल का कलर भी उसी तरह है, और वेजिटेबल को भी हमने ज़्यादा नहीं बनाया है, और मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएं, और आप बड़े और बच्चों को दो तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।